नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। 9 जून को वह प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में भारत ने अपने पड़ोसियों को बुलाया है। श्रीलंका, मालदीव, सेशेल्स, बांग्लादेश, मॉरिशियस, नेपाल और भूटान के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तब उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन 2019 में पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। वहीं अब 9 जून को होने वाले शपथ ग्रहण में भी पाकिस्तान को भारत ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। इसे लेकर पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा ने रिएक्शन दिया है। उन्होंने भारतीय विदेश नीति की तारीफ करते हुए कहा कि भारत सार्क की अपने हिसाब से सेटिंग कर रहा है, जिसमें वह पाकिस्तान को नहीं चाहता। सार्क देशों के संगठन में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका आते हैं। कमर चीमा ने कहा, भारत ने अगले 5 साल के लिए सार्क को फिर से निष्क्रिय कर दिया है। भारत अपनी मर्जी से इंस्टीट्यूशनल सेटिंग कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान को माइनस कर दिया है। वो अपनी मर्जी से क्षेत्र की सेटिंग कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। चीन को अगर छोड़ दें तो पाकिस्तान भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी है, लेकिन भारत के साथ पिछले कई वर्षों से उसके संबंध खराब हैं। कमर चीमा ने कहा कि पाकिस्तान में क्षमता नहीं है कि वो अपनी मर्जी का क्षेत्रीय प्लेटफॉर्म बना सके, क्योंकि इनमें से कोई भी देश भारत को निकालकर पाकिस्तान के साथ आने को तैयार नहीं है। भारत और मालदीव के बीच पिछले कुछ महीनों से तनाव देखा गया है, फिर भी शपथ ग्रहण में मालदीव को आमंत्रित किया गया, जिसमें मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू शामिल होंगे। इसे लेकर कमर चीमा ने हैरानी जताते हुए कहा, मालदीव को भारत ने आमंत्रित किया है क्योंकि मालदीव उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दूसरा, भारत समझता है कि मालदीव की गलतियां इतनी बड़ी नहीं कि उसे इग्नोर किया जाए, इसलिए वो चाहते हैं कि मालदीव को साथ मिला लो। कमर चीमा ने कहा कि पीएम मोदी पर पड़ोसियों के साथ संबंध बनाने को लेकर पिछली बार सवाल खड़े हुए थे, जिस कारण आज भारत पड़ोसी पहले नीति के तहत काम कर रहा है। उन्होंने आगे कहा, भारत का इतना बड़ा पड़ोसी पाकिस्तान है, लेकिन क्या वह उसकी तरफ आंखें बंद किए हुए है? चीमा ने आगे कहा, पाकिस्तान अपनी रीजनल सेटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे बड़ा डर है कि पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा ही नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने आगे कहा, हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है अफगानिस्तान हम जा नहीं सकते और इधर यानी भारत वाले हमें आने नहीं देते। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।